पिछले एक महीने से ज्यादा देश के सम्मानित खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाई खेलों में मेडल जीते, वो आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले, बेटियों को न्याय मिले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार उस तरफ आंख मूंदे है और उन्हीं खिलाड़ियों पर जिस जल्दबाजी से केस दर्ज हुए, जिस जल्दबाजी से कार्रवाई हुई, जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह उन्हें घसीटा गया, पीटा गया, उस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी बात रखने के लिए आपके बीच में अलका लांबाजी और डॉक्टर शर्मा आपके बीच में हैं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा अलका लांबाजी से कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद डॉक्टर शर्मा अपनी बात कहेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। अपनी बात को रखने से पहले वीडियो है वो हम आपके सामने चलाना चाहते हैं और उस वीडियो के ऊपर ही हम अपनी आगे की बात को रखेंगे। तो मेरा निवेदन है हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य उन वीडियो को चलाने के। ये थोड़ा स्लो चलाया जाए, स्लो चलाइए और इसको एक बार दोबारा से चलाइएगा। ऊपर एक मिनट, ऊपर उसको वापस ले जाइएगा। ये देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्विटर हैंडल है जिसमें वो संसद भवन की अपनी एक फोटो को बम फोटो बताकर जो है उसको ट्वीट करती हैं, लेकिन उसके बाद नीचे जो जवाब में रिप्लाईज में ट्वीट आते हैं सच्चाई दिखाने की कोशिश की जाती है, उसे दिखाने की बजाय उसे हाइड किया जा रहा है, उन्हें छुपाया जा रहा है। यानी कि आप सच्चाई को से मुंह मोड़ सकते हैं लेकिन आप सच्चाई को नकार नहीं सकते हैं। ये वो है जिसके ऊपर मैं बता रही हूं। अब दूसरा वाला एक और है, दूसरा वीडियो, सेकंड वीडियो, फेस चेंज मैंने आपको दिया था। वो आपके पास है। बाद में दिखाते, उसी में से दिखाते थे। आप अपना मोबाइल पे दे दीजिए मुझे एक बार, आप अपने मोबाइल पे दे दीजिए। हो गया। ये वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, कौन लोग हैं जिन्होंने असली तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ करने के पीछे मंशा क्या थी। ये भाजपा का आईटी सेल है जो एक ऐप का इस्तेमाल करता है और विनेश फोगाट जो अरेस्ट कर ली गई हैं, पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके अरेस्ट करके जो है उन्हें ले जाया जा रहा है, वहां पर तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उनके चेहरों को बदलकर मुस्कुराते हुए दिखाया गया। और भाजपा के बड़े नेताओं, भाजपा आईटी सेल और माफी चाहूंगी कुछ पत्रकारों ने भी इन तस्वीरों को जो फर्जी हैं, फेक हैं, उन्हें दिखाकर हमारी खिलाड़ियों की छवि को धूमल करना चाहा। बात वही है, जब जवाब नहीं होते तो आप इस तरह से फर्जीवाड़ा करके सीधा किसी के चरित्र के साथ उसका हनन करते हैं, उनकी सच्चाई को छुपाकर जो आप दिखाना चाहते हैं झूठ, वो बेचने की कोशिश यहां पर भी की गई है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, हर टीवी चैनल में एक भयंकर दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं कि शाहबाद डेयरी में मात्र 16 साल की एक बेटी को, अलग अलग खबरें हैं, 32 चाकुओं से गोदा गया, जब दम नहीं तोड़ा तो बड़ा पत्थर उठाकर उसका सर कुचला गया। सवाल ये होता है कि राजधानी दिल्ली है ये, इन अपराधियों की हिम्मत कहां से हो रही है, कौन हिम्मत दे रहा है इन्हें राजधानी दिल्ली में कि आप दिन दहाड़े सरेआम जघन्य अपराध करिए और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हिम्मत कहां से आ रही है, कौन इनके आदर्श हैं अपराधियों के। तो साफ आता है कि भाजपा के सांसद
जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, पोक्सो कानून नाबालिग बच्चियों के जो खिलाफ कानून में जो उनके अपराध हो रहे हैं उस पे कानून पोक्सो कानून के तहत एफआईआर दर्ज हैं, जब उस पे कार्रवाई नहीं होती, पूरा तंत्र सरकार पुलिस उस एक अपराधी के साथ जो भाजपा का सांसद है संरक्षण के लिए खड़ी होती है, तो स्वाभाविक है राजधानी दिल्ली और देश में ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पूरी की पूरी सरकार बेटी नहीं बचाएगी, बेटियों के साथ इस तरह से जघन्य अपराध करने वालों को बचाती है, इसलिए उनके हौसले बुलंद है। आपको मालूम है हमारी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बजरंग पुनिया जनवरी में आए थे, सरकार ने विश्वास दिया कि न्याय होगा, कमेटी का गठन होगा, इस विश्वास के साथ वो अपना धरना छोड़ते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन मजबूर हुए ये सब लोग 3 महीने के बाद फिर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बैठे, और आज उन्हें जंतर मंतर पर बैठे हुए 35 दिन पूरे हो जाते हैं, और 35 दिनों के बाद जब वो आए थे तो एफआईआर तब भी नहीं हुई थी, एफआईआर की मांग थी, गिरफ्तारी की मांग थी, सरकार नहीं झुकी, सरकार अपने आपराधिक सांसद ब्रजभूषण के साथ खड़ी रही, अंत में दरवाजा खटखटाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तुरंत एफआईआर के आदेश दिल्ली पुलिस को दिए, और तब जाकर 7 दिन के बाद एफआईआर होती है। लेकिन आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में साक्षी मलिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत के देश का नाम रोशन करने वाली बेटी, मैं एक बार सब भारतवासियों को सबको कहूंगी आंख बंद करिए और वो नजारा दोबारा से याद करिए, जब साक्षी मलिक पहलवानी के अखाड़े में पटकनियां दे रही थी और यहां पर गर्व सीना जो है वो चौड़ा हो रहा था और तालियां बजा रहे थे, देश का गर्व से सीना चौड़ा हो रहा था, और जब साक्षी मलिक ने वो पदक जीता, याद करिए वो ध्वज ऊपर जा रहा है और साक्षी मलिक की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं और हम सब गौरवान्वित हो रहे थे। आज वही साक्षी मलिक कल सड़कों पर दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटी गई, वो दृश्य है कल के, और घसीटी नहीं गई, सुनिएगा, दंगे के तहत, दंगे के आरोपों में उन पर एफआईआर 7 घंटे नहीं लगे, एफआईआर हो गई, किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना पड़ा बीच में, कोई गृह मंत्री प्रधानमंत्री सब 2 मिनट में, और एफआईआर 147 149 186 188 332 353 पता नहीं कितनी धाराओं में हमारे अंतर्राष्ट्रीय, हमारी बेटियां, हमारे गर्व, उन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जिसे जेल में होना चाहिए था वो संसद भवन में बैठा था, और जिन्हें संसद भवन के उस परिसर में मेहमान के तौर पर जाकर बैठना चाहिए था वो कल हिरासत में उनको रखा गया सारा दिन, और आज उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लिया गया, वो जंतर मंतर पिछले 35 दिनों से जिस जगह पर बैठे थे उस जगह पर बैठने का उनका अधिकार, लोकतांत्रिक तरीकों से उस अधिकार को भी छीनने का काम इस देश की तानाशाह सरकार कर रही है। हमने कल वो वीडियो भी देखा कि जब विनेश फोगाट पदक जीत कर आई थी तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बुलाया था, और वो वीडियो आप सब देख रहे हैं कि विनेश फोगाट को ही नहीं उसके परिवार तक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और कल एक महिला पत्रकार कुछ ट्वीट करती हैं, प्रधानमंत्री जी तुरंत रीट्वीट करके उस महिला पत्रकार के ट्वीट का जवाब देते हैं, तो हम ये मानने को तैयार नहीं कि कल राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जो शर्मनाक हरकत हुई, जिस तरीके से घसीटा गया, व्यवहार किया गया, वो प्रधानमंत्री जी की जानकारी में या नजरों में नहीं आया होगा। तस्वीरों से छेड़छाड़, एक हमारे पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर आस्थाना, लगा ट्वीट फर्जी होगा, पर नहीं, उन्होंने माना ये मैंने ही ट्वीट किया है, और जब बजरंग पुनिया ने कहा कि गोली मार दीजिए तो ये लिखते हैं कि गोली तो मारेंगे हम, अभी तो घसीट कर लाए हैं, अब गोली मारेंगे, आप देख रहे हैं चल क्या रहा है इस देश में।
सब खुली किताब की तरह है। कल एक तरफ भव्य संसद के उद्घाटन की तस्वीरें थी, तो वहीं देश में और विदेश में भी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है ना, कैसे छुपा लेंगे चीजों को, पूरा सोशल मीडिया, जिस तरह से मैंने भी देखा देश की महिला बाल विकास मंत्री का ट्विटर हैंडल पे जो तस्वीर थी उसके नीचे पूरी तस्वीरें जो दिल्ली की सड़कों पर कल शर्मसार करने वाली थी वो दिखाकर उनको आईना दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने ट्विटर हैंडल को में उनको छुपाने का काम करती रही। मैं आपसे पूछती हूँ, देशवासियों से एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, सिर्फ यही एक बड़ा कारण है कि कोई पिता कोई भाई अपनी नाबालिग बेटियों के साथ भी हो रहे अपराधों के लिए न्याय के लिए आगे आने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाता? वो देखता है कि न्याय तो नहीं मिलेगा, बदनामी और होगी। जब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंतरराष्ट्रीय प्लेयर का इस स्तर पर हाल किया जाएगा, इस तरह से बदनाम किया जाएगा और न्याय नहीं होगा। ये वो महिलाएं हैं हमारी जिनके प्रधानमंत्री जी निजी और व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, जिनके ट्विटर पर फॉलो करते हैं, लेकिन अभी तक दुख की बात है 35 दिन से प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। और मैं पूछती हूं, देश इत्तेफाक रखता है कि ब्रजभूषण जो आरोपी हैं यौन उत्पीड़न के गंभीर पोक्सो के कानून के तहत गंभीर आरोपों में, वो कहते हैं कि ये पदक जो साक्षी मलिक ने जीता, जो तिरंगा ऊपर जा रहा था और गले में वो पदक था, उसकी कीमत 15 रुपए है। मैं देश से पूछना चाहती हूं कि आप इस वाक्य से इत्तेफाक रखते हैं? आपसे पूछना चाहती हूं कि आप इससे भी इत्तेफाक रखते हैं कि ब्रजभूषण जो भाजपा के सांसद हैं आरोपी, उनको कहना कि पोक्सो का कानून प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस को खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस कानून के तहत इन पे मामले दर्ज हैं और आज जो 16 साल की बेटी का भी, और ना जाने कितनी नाबालिग बेटियां इसी कानून के तहत न्याय की उम्मीद लगाए बैठी हैं, और आप कहते इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए बहुत सोच समझकर लोकतांत्रिक तरीकों से संसद में जो पोक्सो का कानून लाया गया, क्या आप उसको यूं खत्म होने देंगे? तो ये बहुत से गंभीर सवाल आज देश के सामने, लोगों के सामने खड़े हैं। हम पूरे अपने बहादुर खिलाड़ियों को कहेंगे हिम्मत मत हारिए। हमने पहले दिन से कहा है, अभी भी हम वचनबद्ध हैं कि हम अपनी इन खिलाड़ियों के साथ, बेटियों के साथ न्याय मिल जाने तक पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और ये आंदोलन वापस जंतर मंतर पर जिस तरह से चल रहा था, न्याय मिल जाने तक वहां पर चलने का अधिकार मिले, जो FIR इन पे दर्ज कर की गई है, उस FIR के लिए, इनके लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस अपना पूरा कानूनी तौर पर जितने से जितने भी बड़ा वकील है इनसे लड़ने के लिए, जो कानूनी FIR करके इन्हें पुलिस अभी ब्रजभूषण को तो नहीं बुला पाई, पर इन्हें कभी भी बुलाएगी, रोज बुलाएगी, और क्या होगा ये आपके सामने है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे बहादुर खिलाड़ी, देश का नाम अभी दोबारा से उन्होंने रोशन किया है, नीरज चोपड़ा जी। उन्होंने भी ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी ने जरूर देखा होगा कि नीरज चोपड़ा भी कल की तस्वीरों को देखकर शर्मसार हुए हैं, और उन्होंने खुद कहा है, मैं दुख व्यक्त करता हूं कि इस तरह की तस्वीरें एक खिलाड़ी को देखनी पड़ रही हैं। तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारी बहादुर बेटियां लगातार डटी हुई हैं, सच्चाई और ईमानदारी से प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से न्याय मांग रही हैं कि आप न्याय करिए। और ये दिल्ली राजधानी के दो दृश्य हैं, कल का एक सुबह का है, दिन भर का, जहां आपने देखा जंतर मंतर पे आंदोलन को कुचला, किस स्तर पर कुचला, किस तरह का व्यवहार हुआ साक्षी मलिक के साथ, और शाम होते होते 16 साल की बेटी का, इसी यहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। तो मुझे लगता है ब्रजभूषण का गिरफ्तार होना तुरंत और उस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। अगर ये कार्रवाई होती है तो देश की लाखों करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में बैठी हैं, उनके उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी, और अगर ये कार्रवाई नहीं होती, जैसे अभी तक नहीं हुई, तो ये स्वाभाविक है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, और इन अपराधों को जो दिल्ली में हुआ है आप रोक नहीं सकते हैं कभी भी। धन्यवाद। मैं अब अपनी साथी डॉक्टर शमा मोहम्मद जी से कहूंगी। आप नमस्ते। आई थिंक मेरी साथी अलका लांबा जी ने सब कुछ कहा है, लेकिन फिर भी आई विल जस्ट से सम फ्यू थिंग्स इन इंग्लिश। यस्टरडे वॉज अ वेरी ब्लैक डे इन डेमोक्रेसी, एंड व्हाई? बिकॉज देयर वॉज ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस। व्हेन आवर रेसलर्स, आवर प्राइड वर मैन हैंडल्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, एन ऑफेंडर इन द गार्ब ऑफ अ लॉ मेकर was sitting in parliament. Just imagine what is.
An offender was sitting in parliament and our Betis were manhandled brutally by the police of Delhi. And what is their crime? Their crime is only one. They were peacefully protesting against somebody who has sexually assaulted them. That is their only crime. They were just peacefully protested, and for that they were manhandled. The man, Brijbhushan Saran Singh, is not just accused by one woman, by one athlete, by one wrestler. We have to understand that he has been accused by seven. And out of that, one is a minor. Let's not forget that. And who are these people? The two of them in that, Vinish Pogat, Sakshi Malik. Sakshi Malik, I want to remind everybody, who is Sakshi Malik? We have been hearing a lot of things. Let's just understand. She is our first Olympic medalist in wrestling, female. And who is Vinish Pogat? She is our first gold medalist in Commonwealth and Asian Games in wrestling, first female. If they don't get justice, they are not only famous in India, they're famous all over the world. If they don't get justice, if they have to sit for 1 month to get justice, they're asking only one thing, please arrest him. Do you understand what is happening? It took them yesterday when they were walking peacefully towards the parliament, the police assaulted them, manhandled them and put them, arrested them immediately. FIR in few hours, but for Brijbhushan Saran Singh, the FIR took 7 days. And how did the FIR happen? Did the Delhi police file the FIR? The FIR happened after the Supreme Court ordered the Delhi police to file the FIR. Can you imagine what is happening in this country? And also Delhi police yesterday said one important thing. We got orders from the top. We got orders from the top to arrest them. We got orders from the top to dismantle the protest site. Cannot anybody protest peacefully in a democracy? Has democracy ended in India? Why did they dismantle the site? Why can't they protest in Jantar Mantar? What is happening in this country is the question we need to ask today. So 1 week, let's understand, 1 week to file an FIR against a sexual offender, but few hours to file an FIR against those people who made us proud, who got us medals, who we admire, we look up to. You have to understand one very important thing that has come out of this. Every young girl aspires to be like Vinish Pogat and Sakshi Malik. They would say, you know what, ye hamare desh ke liye medal leke aaye hain, mujhe bhi karna hai ye. But today what is the problem is, the parents who are watching this, the parents who are watching these protesting wrestlers, the parents who are watching Delhi police understands one thing. They'll say, you know what, how can I send my daughters for training tomorrow? What if that happens to them? And on top of that, what they are seeing is the Delhi police are not manhandling Brijbhushan Singh. They are manhandling our daughters. They are arresting our daughters. Tomorrow, my daughters will be here. And what is the message you are giving to rapists, to sexual offenders, sexual predators, to molesters? The message to them is, aap jaiye aur karo. Delhi police aapko protect karenge. They are saying, go ahead, do it. The BJP government, because the Delhi police comes under the BJP government, under Amit Shah. So the message to them today is, go do whatever you want to do to the rapists. We will not arrest you. We will not file case against you. We will do it to our daughters, to India's daughters. And the other important thing which I feel is, when we win our medals, when these athletes win their medals, we see our Indian flag going up. We are very proud and we look up to them. These medal holders are the holders of these flags. They are the flag bearers. Let's understand that. So when you are hitting them, when you're assaulting them,
यू आर असॉल्टिंग आवर फ्लैग. द भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह इज असॉल्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग. Let's not forget that. Let's not forget what the British did. The British, when the flag bearer was walking with the Indian jhanda, the Tiranga, they used to beat him up. The one who used to hold the Tiranga was beaten up by the British to show that your flag is nothing against us. And that is what the BJP Sarkar is doing. That is what Amit Shah is doing. And that is what Narendra Modi is doing. So again, I want to reiterate one very important thing, as Alka Lamba Ji has said also. The FIR against them is 147 rioting, 149 unlawful assembly, 186 obstructing public servant in duty, 332 causing hurt to deter public duty. These are the FIRs against them. If these, again I'm going to reiterate, if these accomplished athletes, if these, our pride cannot get justice, how can other women get justice? Tomorrow it could be Alka Ji, it could be me. How could we get justice? It could be somebody. I have many of my reporters who are female sitting here. How would you get justice, ma'am? How would you get justice? Try to understand what is the message. If such mashhoor log ko justice, insaaf nahi milega, humko kaise milenge? That is the message today. Let's understand that. And also, let's not forget what the Pradhan Mantri said at the ramparts of the Red Fort. Hamare pratigya hai ki mahila ko na apman karne ke liye. It is our pledge to protect our women. This is what the Prime Minister of India said last year from the ramparts of the Red Fort. I am asking Narendra Modi ji, aap maun kyo hain? Ek mahine se upar ho gaya hai. Where are you, Modi ji? Why are you quiet? When they bring medals, when they bring accolades, when they come here smiling, you join them and take this photograph smiling with them like this. Now, where are you, Narendra Modi? They're crying. The daughters of India are crying to you. They're asking you, we want justice. Arrest Brijbhushan Saran, because if he is out, he will tamper with the evidence. He can threaten the witness. You know how strong he is. He's a member of parliament from UP, from your party. And last but not the least, the Congress party will not rest till India's daughter has been given justice and Brijbhushan Singh is arrested. Thank you very much. थैंक यू सो मच. आप सभी साथियों का धन्यवाद. हाँ जी, हाँ हाँ. आपने कंपेयर किया है कि चूंकि बीजेपी सांसद जिन पे आरोप है बिल्कुल उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, इस वजह से अपराधियों का हौसला बुलंद है और शाबा डेरी जैसी घटना आई है. लेकिन शाबा डेरी की घटना पर कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेता जो है वो सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं और वो लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, देश दिल्ली भारत की राजधानी है और सब जानते हैं ये राजधानी के जो पुलिस कानून और व्यवस्था है, सुरक्षा, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन आती है और उन्हें बचाने के लिए, हर बार उन्हें बचाने के लिए इस तरह के अपराधों को वो इस तरह के सांप्रदायिक रंग देना शुरू करते हैं. ये हर बार हुआ है, इस बार भी हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है. लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अपराध को मात्र एक अपराध की नजर से देखती है. अगर वो उसको सांप्रदायिकता से जोड़ रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसे ब्रजभूषण शरण, जो भाजपा के सांसद एक आरोपी है गंभीर आरोपों के तहत, उनसे जोड़कर देख रहे हैं कि देश में, राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं.
उसके पीछे कारण यही है कि यहाँ की जो पुलिस और कानून व्यवस्था है, कानून का जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लचर है। और दूसरी तरफ स्वाभाविक है, अपराधियों को बचाने का काम पहली बार नहीं कर रही है भाजपा की सरकार। उन्नाव के अपने विधायक को लगातार, जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं चला गया, उसका दोष साबित होकर उसे उम्र कैद नहीं हुई, तब तक उसके साथ पूरी भाजपा खड़ी रही। उसके बाद बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो यौन उत्पीड़न में, हत्याओं में दोषी करार दिए गए, जेलों में हैं, हरियाणा से हैं, पैरोल पर वापस लाया जाता है, चुनाव का प्रचार प्रसार कराया जाता है। सिम ब्रजभूषण को भी इन अपराधियों ने अपना आदर्श मान लिया है। उन्हें लगता है कि जब इसका कुछ नहीं हो रहा तो हमारा भी कुछ नहीं होगा, हमें भी बचाने का काम, उसे बचाने का काम भाजपा कर रही है और इन अपराधियों को बचाने का काम इनके आदर्श जो आज ब्रजभूषण है इन अपराधियों के वो करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि बहुत ही भयंकर घटना हुई है, पूरी दिल्ली देश दहल रहा है वो तस्वीरों को देखकर। इसे राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, दोनों मिलकर जो संभव प्रयास हो सकता है वो आपको करना है। आपको अपराधियों में डर पैदा करना है, आपको कानून को इतना सख्त बनाना है कि तुरंत जो है वो कार्रवाइयां हो, डर हो। लेकिन आज तो देखने में आ रहा है कि तिहाड़ जेल के अंदर भी अपराधी जो है वो वहां होने के बावजूद भी डर नहीं है, वहां जो खूनी खेल लगातार हो रहे हैं अंदर, तो बाहर वाले में तो डर नहीं, अंदर जाकर भी वो ही है। तो मैं यही कहूंगी, हम इसकी कड़ी, ये जो बयान आ रहा है कि भाजपा आम आदमी को, आम आदमी भाजपा को कर रही है, शीला जी के समय भी निर्भया में इन्होंने कहा था, लेकिन 10 साल से केंद्र दिल्ली की सत्ता इन्हीं दोनों के पास है और उम्मीद अब इन्हीं से की जा रही है। लेकिन दुख होता है, चिंता होती है, दिल्ली से हूं, दिल्ली की बेटी हूं, कि न्याय की उम्मीद लग नहीं रही, हालात बदलेंगे ऐसी उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि दोनों आपस में समाधान देने की बजाय एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं और इस तरीके से राजनीतिक अपनी जो है वो खेल रहे हैं, जो बिल्कुल। और ये घटना सच में मैं कहूंगी, परिवार को न्याय मिलना चाहिए, बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है घटनाएं ना हो ऐसी भविष्य में, उसको लेकर दोनों सरकारों को गंभीरता से सोचना विचार करना होगा और जो उचित कदम उठाने की सख्त जरूरत है अभी भी जहां जो कमियां हैं उसे पूरा किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस has clearly said that they've got orders from the top. They've clearly said it. That is the thing, that is the question you need to ask, who is given the orders from the top? वो एक ही होता है, अमित शाह जी। उन्होंने बोला इनको अरेस्ट करो, डिसमेंटल करो, सब कुछ करो, उनको पूछो, अमित शाह जी से पूछ लीजिए सवाल, why is he doing this to our daughters who have got medals for us, who has made India proud, where our flag has gone up, you know, our tricolor, our tiranga, as you know, they've made us proud. उनको ये, उनका हालत ये है, पूछ लीजिए उनसे, जाके अमित शाह जी से पूछ लीजिए आप लोग। धन्यवाद आप सभी साथियों का।